देखिए, आज जो हमने प्रोटेस्ट किया है वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर, खास तौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर और बाकी देश के जो अलग अलग विश्वविद्यालय हैं उनमें जिस तरीके से गरीब छात्र विरोधी नई शिक्षा नीति 2020 को आनन फानन में और अपनी पूरी स्पिरिट के साथ जो स्टूडेंट से बिना कंसल्टेशन किए लगातार उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसके खिलाफ हमारा विरोध प्रदर्शन था आज का। अगर हम अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर खड़े हैं तो इसी की बात कर लें। इस साल 2022 के जो दाखिले हुए हैं उसमें FYUP का पहला बैच अभी एक इस यूनिवर्सिटी के अंदर आया है। एक बार पहले भी FYUP को एजुकेशन सिस्टम के अंदर, DU के अंदर घुसेड़ने की कोशिश की गई थी साल 2013-14 के दौरान, और उसी समय पर जो आज की जो सरकार है उस सरकार, वो सरकार इन्हीं हमी छात्रों के साथ खड़ी थी FYUP का विरोध करने के लिए, ये कहते हुए कि ये छात्र विरोधी। और आज ये वही सरकार है जिसने पावर में आने के बाद उसी छात्र विरोधी नीति को CUET के साथ और बाकी अन्य सभी छात्र विरोधी मूव्स के साथ यहाँ पर उसको बेशर्मी के साथ लागू कर दिया गया है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर हम देख रहे हैं आए दिन, चाहे करिकुलम के अंदर जो चेंजेस हो रहे हों, सबसे पहले तो CUET को बहुत छात्रों के हित का बताया गया, जिसमें कि साफ तौर पर स्टूडेंट्स ने देखा कि ये कोचिंग सेक्टर के, प्राइवेट सेक्टर को हित में, को केंद्र में रखकर स्टूडेंट्स, वंचित समुदाय से आने वाले स्टूडेंट्स को साइडलाइन करके, उनके कंसर्न्स को साइडलाइन करके CUET को ज़बरदस्ती थोपा गया, FYUP को भी ज़बरदस्ती थोपा गया। और अब यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग चेंजेस लाए जा रहे हैं, स्टूडेंट्स को वैल्यू एडेड कोर्सेज के नाम पर अनचाहे कोर्सेज थोपे जा रहे हैं। AECC में इंग्लिश का एक ऑप्शन मिला करता था स्टूडेंट्स को, पर कंपलसरीली सबको हिंदी लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स को ट्यूटोरियल्स का प्रोविजन होता था इस यूनिवर्सिटी में भी कि आप क्लासेस लेक्चर्स के अलावा आपको ट्यूटोरियल मिलेगा जिसमें आप 10-10 के ग्रुप्स में स्टूडेंट्स को डिवाइड करेंगे, यानी कि स्टूडेंट्स को एक टीचर के साथ इंडिविजुअल इंटरेक्शन का, पर्सनल इंटरेक्शन का एक समय मिलेगा, एक क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाने की तरफ वो एक कदम हुआ करता था, उसको ख़त्म करके अब ये हो गया कि आप 40 स्टूडेंट्स का भी एक ग्रुप बना सकते हैं। तो ये केवल देखिए, ये बात हिंदू राष्ट्र की नहीं है, जब ये केवल हिंदी इम्पोजिशन को हम केवल हिंदू राष्ट्र की तरह नहीं देख रहे हैं। देखिए, बात साफ सी है, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जो धर्म के सबसे बड़े अनुयायी बनते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो बड़े बड़े नेता हों, मंत्री हों, वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट्स में भेजते हैं, वो अपने बच्चों को विदेशी विश्वविद्यालयों में भेजते हैं, वो अपने बच्चों को नहीं कहते हैं कि तुम शाखा में ही पढ़ो, यहीं पढ़ोगे तुम, अपने बच्चों को नहीं मजबूर करते हैं। तो साफ तौर पर बात यह है कि यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है कि एक बहुसंख्यक जो हिस्सा युवाओं में से, जो पिछड़ी समुदायों से, पिछड़ी परिस्थितियों से आता है, उनसे किस तरीके से इक्वल एजुकेशन, पब्लिक फंडेड एजुकेशन का जो राइट है उसको किस तरीके से छीना जा सके। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर ऑलरेडी 8वीं के बाद ड्रॉप आउट रेट इतना ज़्यादा है, 10वीं के बाद, 12वीं के बाद एक बहुत छोटा हिस्सा हायर एजुकेशन तक पहुँच पाता है। अब उसके लिए भी सरकार ने पूरी कोशिश की है, ये जो नई शिक्षा नीति 2020 का जो मसौदा है उसमें साफ साफ रास्ता आपने तैयार कर दिया है कि आप स्टूडेंट्स को चाहते ही नहीं कि वो फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा, सरकारी वित्त पोषित शिक्षा तक पहुंच पाएं। और उसके लिए आपने क्या हर तरीके की तैयारी कर रखी है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर देखिए तो कॉलेजेस को स्वायत्त करने के नाम पर, ऑटोनॉमस करने के नाम पर ग्रांट खत्म कर दी गई है जो UGC से मिलती थी, उस ग्रांट की जगह अब यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को HEFA से लोन लेना पड़ रहा है, वो लोन 7% की दर पर इंटरेस्ट को साल में अलग अलग हिस्सों में चुकाकर वापस करना पड़ रहा है यूनिवर्सिटी कॉलेज को, और उसका भुगतान कौन कर रहा है, उसका भुगतान छात्र कर रहे हैं, वो छात्र जिनके माता पिता ऑटो रिक्शा चलाते हैं, छोटी दुकानों में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, 14-14 घंटे सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करते हैं, महिला ढोते हैं, सफाई कर्मचारियों की तरह काम करते हैं, जिनके लिए 14 घंटे काम करने के बाद सरकारी स्कूल तक भी अपने बच्चों को भेज पाना मुश्किल है, वो अपने बच्चों को किस तरीके से इस बढ़ती हुई फीस के अंदर, अगर किसी तरह उनके बच्चे मेरिट सिस्टम की दीवार को, CUET की दीवार को पार कर भी जाएं, तो भी इस यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुँचा पाएंगे। देखिए, साफ सी बात है, आप आंकड़े अगर देख लें, आज के समय में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो सबसे ज़्यादा हमें बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है दूरस्थ शिक्षण के संस्थानों में। अगर वाकई में ये शिक्षण संस्थान इतने अच्छे हो रहे होते तो हमें यहाँ पर इन्हीं शिक्षण संस्थानों के अंदर और ज़्यादा स्टूडेंट्स को दाखिला मिलते हुए हमें दिखाई पड़ता, और ज़्यादा स्टूडेंट जो गवर्नमेंट स्कूल से आ रहे हैं उनको यहाँ पर हम आते हुए देखते, पर ऐसा हमें नहीं दिखता है। उल्टा हमें क्या दिखता है कि CUET, जिसको छात्र के हित का बताया जाता है, उसके आने के बाद, FYUP के आने के बाद इस यूनिवर्सिटी में, जिसमें पहले से ही सीटें बहुत लिमिटेड हैं, उस यूनिवर्सिटी के अंदर
5-10 हज़ार सीटें अभी भी खाली रह जाती हैं। इससे बड़ा सबूत हमको क्या चाहिए ये समझने के लिए कि साफ तौर पर आज जो शिक्षा की नीतियाँ आ रही हैं, सिर्फ शिक्षा की नीति नहीं, बाकी जितनी भी हम नीतियाँ देखते हैं, चाहे हमने निजीकरण को हेल्थ केयर के सेक्टर में देखा हो, बाकी सेक्टर्स में देखा हो, इसको पूरी तरह से केवल पूंजीपतियों के हित को केंद्र में रखकर एक छोटे से अभिजात वर्ग तक ही क्वालिटी एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन पहुंच पाए, ये सुनिश्चित करते हुए बहुसंख्यक हिस्सा जो आबादी का है उनके बच्चे खराब शिक्षा लेने के लिए मजबूर होते रहें और इस देश में सस्ता मजदूर बनने के लिए मजबूर होते रहें, उसकी पूरी तैयारी करते हुए हमें ये सरकारें दिखाई पड़ती हैं। और उसी की झलक हमें इसमें भी दिखाई पड़ती है। नई शिक्षा नीति का मसौदा पढ़ लें अगर 2020 का, उसमें साफ साफ लिखा है कि सरकार अपना जो खर्चा है शिक्षा के बजट पर उसको लगातार कम करना चाहती है। उससे उसको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता है कि इस देश की जनता अपनी शिक्षा के लिए अपनी जेब से पैसा देती है। सरकार को आज ये लग रहा है कि सरकार स्वयंभू है, सरकार अपनी जेब से हमें पढ़ाने के लिए पैसा देती है, ऐसा नहीं है। और इसीलिए यहाँ पर आज हम इस विरोध प्रदर्शन के लिए मौजूद हुए हैं और आगे और बड़ी संख्या में हम अपने संघर्ष को तब तक आगे लेकर जाएंगे जब तक इस देश की शिक्षा व्यवस्था को जो मजदूर चलाता है, जो मेहनतकश जनता चलाती है अपने अपने खून पसीने से, उसके बच्चों तक ये यूनिवर्सिटी कॉलेज तक में अपना दाखिला करा पाने का, समान शिक्षा ले पाने के अवसर केजी से लेकर पीजी तक नहीं सुनिश्चित हो जाते सभी के लिए, तब तक अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। तो प्रशासन तो कह रहा है कि आप बच्चों को भड़काते हैं, पागल बनाते हैं, मतलब रास्ते से भटकाते हैं, जो नेता आप जैसे जो नेता है, देखिए हम छात्र हैं, रास्ते से उनको भटकाते हैं, हमें इस तरीके की उपाधियां देने के पीछे बहुत साफ सा कारण है और वो आम जनता को दिखाई पड़ता है। जब आप लगातार शिक्षा की जो व्यवस्था है जिसके लिए लोगों ने लड़कर अधिकार जीता है, कभी भी सरकारों ने और व्यवस्था ने हमें दान में या अपनी दरिया दिली से नहीं दिया है, उसके लिए जब लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं, जब लोग अपनी मांग उठाते हैं, तो सरकार उसको हमेशा कुचलना चाहती है। सरकार नहीं चाहती है कि बहुसंख्यक जनता के पक्ष में उन्हें काम करना पड़े, और उसी के लिए हमें इस तरीके की नीतियों का लाया जाना, उनको थोपा जाना, और जो डेमोक्रेटिक वॉइसेस हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के अंदर हो, यूनिवर्सिटी के बाहर हो, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हो, अलग अलग कैंपसेस में हो, उनको दबाया जाना लगातार इस बात को दिखाता है कि सरकार को जनता से डर लगता है और सरकार बहुसंख्यक जनता के पक्ष की नीतियां, पक्ष के फैसले नहीं लाना चाहती है। नहीं तो अगर वाकई में सरकार को कोई चिंता है छात्रों की, तो क्यों नहीं हम इस यूनिवर्सिटी के अंदर, ये यूनिवर्सिटी बहुत सालों से हम मौजूद है, पर पिछले 20-25 सालों से आपने एक नया कॉलेज खुलता नहीं देखा होगा, आपने नई सीटें खुलती हुई नहीं देखी होंगी। यहाँ पर जून के महीने में हम एक महीने तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे थे इसी डिमांड को लेकर कि अगर आप वाकई में कह रहे हैं कि अमृत वर्ष है, ये 75 साल अमृत वर्ष है आज़ादी के, तो क्यों नहीं आप सभी कॉलेज में इवनिंग क्लासेस शुरू करते हैं, क्यों नहीं सरकारी स्कूल से आने वाले सभी छात्रों को 12वीं के बाद हायर एजुकेशन में यानी रेगुलर कॉलेज में औपचारिक शिक्षा का मौका, ऑप्शन क्यों नहीं दिया जाता है? आप उन्हें ढकेल देते हैं इग्नू में, SOL में, ओपन लर्निंग में, जहां पर उनसे कई कई गुना त्रासदी देखिए इस शिक्षा व्यवस्था की, कि जो बहुसंख्यक हिस्सा सरकारी स्कूलों से आता है वो 12वीं के बाद प्राइवेट में ढकेल दिया जाता है। आप प्राइवेट का मतलब समझ रहे हैं? जो ओपन लर्निंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो फुल्ली सेल्फ फाइनेंस मोड में चलते हैं, उन्हें एक रुपया पैसा फंड का नहीं मिलता है, और उसके बाद की खराब परिस्थिति ये है कि उस स्थिति में इतना भयंकर करप्शन है दिल्ली यूनिवर्सिटी, प्रीमियर यूनिवर्सिटी के ही ओपन लर्निंग स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में, कि आप RTI डाल के देखेंगे आपको पता चलेगा कई कई 100 करोड़ का फंड उनके पास इकट्ठा है, क्योंकि हर साल स्टूडेंट्स की 6-6 लाख स्टूडेंट जो एडमिशन लेते हैं उनकी फीस केवल लूटी जाती है और उन पर इन्वेस्टमेंट के नाम पर उस फीस का 10% हिस्सा भी खर्च नहीं किया जाता। आप यहाँ पर संडे को अभी उनकी क्लासेस लगनी शुरू हुई हैं, हम हर संडे यहाँ पर स्टूडेंट्स से मिलने, उनसे बातचीत करने, उनके कंसर्न्स को जानने, उनकी समस्याओं को जानने के लिए मौजूद होते हैं। आप भी आइए और पता करिए कि वही सिलेबस जो 180 दिन में रेगुलर में पढ़ाया जाता है, यहाँ पर उसके लिए मुश्किल से 8 दिन की भी क्लास नहीं दी जाती है। और ओपन लर्निंग के स्टूडेंट का पहला अधिकार है कि दाखिले के 14 दिन के अंदर अंदर उनको कंप्लीट प्रिंटेड स्टडी मटेरियल उनके हाथ में होना चाहिए, वो नहीं दिया जाता, उनको एग्जाम के एक हफ्ते पहले तक भी नहीं दिया जाता है, और उनसे कहा जाता है, उम्मीद की जाती है कि आप स्टीफेंस कॉलेज से निकले हुए छात्र के बराबर आप तैयारी करके उतने लायक अपने आप से बन जाइए, तो क्यों नहीं
बड़े बड़े नेता अपने बच्चों को ओपन लर्निंग में डालते, क्यों नहीं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते? ये सवाल किया जाना बहुत ज़रूरी है। और जब तक इस देश में हम ये मंजर नहीं देख लेंगे कि सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल, शिक्षा व्यवस्था का शिक्षा मंत्री, इस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर और इस यूनिवर्सिटी के अंदर शिक्षा व्यवस्था के अंदर काम करने वाले जो सफाई कर्मचारी हैं, जो चपरासी हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, उन सभी के बच्चे जब तक एक समान शिक्षा व्यवस्था वाले स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुँच पाएंगे, तब तक हम सपना नहीं देख पाएंगे कि इस भारत, इस देश में, इस समाज में किसी भी तरीके की बराबरी और शोषण मुक्त समाज और एक गैर बराबरी मुक्त समाज की तरफ हम आगे बढ़ पाएं। तो उसके लिए हमारा ये समान शिक्षा का संघर्ष बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और इसको हम और ज़्यादा ताकत के साथ आगे ले जाएंगे। सरकारी बच्चों का भविष्य क्या देखती है मैडम? जो एसटी ओबीसी की सीटें हैं उनका कुछ होता है वाइस चांसलर या विश्वविद्यालय उसके लिए कुछ सीटें रिजर्व करता है मैम? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आज जनता ने लड़कर जो अपने लिए कुछ अधिकार हासिल किए हैं, कई सदियों से, कई पीढ़ियों से लड़कर अपने अभिजात, मतलब वंचित समुदाय से आने वाले छात्रों ने शैक्षिक संस्थानों तक पहुंच पाने का, पब्लिक ऑफिसेज तक नौकरी पा पाने का जो एक अधिकार जीता है, उसको लगातार सरकार आज उस पे एक रोक लगाने की, उसको कुचलने की कोशिश कर रही है। अभी हाल ही में जो मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप को क्वैश कर दिया गया है, जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत फंडामेंटल इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप है, ये साफ साफ इस तरीके के मूव्स में हमें दिखाई पड़ता है। तो मतलब एक साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि हर संभव कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से वंचित समुदाय से आने वाले छात्रों से खासकर उनका अधिकार, राइट टू इक्वल एजुकेशन, छीना जा सके, क्योंकि वरना आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि जो समाज में ऑलरेडी शोषित हैं उनको शोषित ही रखा जा सके और कुछ ही चंद लोगों का मुनाफा बढ़ाया जा सके। तो इसलिए इस शोषण को, इस गैर बराबरी को ख़त्म होते हुए हम एक बेहतर समाज में एक बराबर, एक डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट और एक डिग्निफाइड सम्मानजनक रोजगार के साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं और वो सपना तभी संभव है। देखिए, हम अपनी मांगे पुरजोर तरीके से अभी डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर को अपना ज्ञापन देकर आए हैं, रखकर आए हैं, और हमें उम्मीद है, हमें इस यूनिवर्सिटी की प्रशासन की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम अपने संघर्ष पर उम्मीद है कि उन्होंने, उनका रवैया तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर, ये देश की प्रीमियर यूनिवर्सिटी कही जाती है, उसके बावजूद रवैया ऐसा रहता है कि स्टूडेंट्स के कंसर्न्स को सुनने के लिए ऑफिशियल्स, आप मेमोरेंडम जमा करने जाएं, अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने जाएं, आप ग्रीवेंस लेकर जाएं ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी में, तो अभी एक लगातार उस तरीके का माहौल बना हुआ है कि आप अगर बहुसंख्यक स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट की बात को लेकर जा रहे हैं तो वो हमारी बातों को नहीं सुनना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पर, हम एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा, इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के एनईपी के पैनल से ज़्यादा हमें अपने स्ट्रगल पर विश्वास है कि आने वाले समय में हम अपने स्ट्रगल पर, अपनी एकता के बल पर, हमारी ये जो डिमांड्स हैं कि एफआईयूपी को वापस लिया जाए, एनईपी 2020 को वापस लिया जाए, ये फोर ईयर कोर्स, ये CUET, इनको ख़त्म किया जाए और समान शिक्षा के लिए, और ज़्यादा इंक्लूसिव पब्लिक फंडेड एजुकेशन के लिए, और ज़्यादा एक्सेसिबल पब्लिक फंडेड एजुकेशन के लिए, और ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिनको यहाँ पर दाखिले के दौरान डेप्रिवेशन पॉइंट्स मिल पाएँ, उस तरीके के दिशा में हम अपने लिए एक समान शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर पाएँ KG से PG तक। उनके साथ साथ सरकार को भी देना चाहिए। देखिए, हमारे लिए अभी फिलहाल के लिए एक यही रास्ता इन्होंने तैयार किया कि इस तरीके से ही हम अपनी बात इन तक पहुंचा सकते हैं। बाकी देखिए, जैसे मैंने कहा, हमें अपने संघर्षों पर विश्वास है कि आने वाले समय में ना सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रशासन को बल्कि इस शिक्षा व्यवस्था को ये बात समझनी पड़ेगी और ये बात माननी पड़ेगी कि उसको, इस शिक्षा सरकार को, शिक्षा मंत्री को उस जगह पर इसलिए बैठाया गया है कि वो बहुसंख्यक जनता के हित में नीति बनाए और उसके हित में काम करें, ना कि लगातार केवल एक छोटे पूंजीपति वर्ग, अभिजात वर्ग के मुनाफे को बढ़ाने के लिए, उनके अच्छे दिन लाने के लिए लगातार काम किया जाए। मैम, आखिरी सवाल, रोहित वेम्बुला के लिए क्या बोलेंगे? कल रोहित वेम्बुला की डेथ एनिवर्सरी थी। इस देश में कई रोहित वेम्बुला, पायल तड़वी, इंदर मेघवाल आए दिन शिक्षण संस्थानों के प्रांगण के अंदर दम तोड़ते हुए, बेदखल कर किए जाते हुए, माथा पटकते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं, और उसी का नतीजा ये है कि आज लगातार हम देख रहे हैं, खासकर कोविड के टाइम के बाद से, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसके अंदर ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ रहे हैं, और
फोर ईयर प्रोग्राम को जो यूनिवर्सिटी के अंदर लाया गया है वो भी इसी मकसद से लाया गया है, जिसमें साफ तौर पर सरकार ये कह रही है कि आप अगर केवल एक साल पढ़ सकते हैं तो एक साल की आप ये सर्टिफिकेट लेकर निकल सकते हैं, दो साल का लेकर निकल सकते हैं, तीन साल पर निकलना चाहें तीन साल पर निकल सकते हैं, और अगर आपके पास औकात है चार साल पढ़ पाने की तो ही आप चार साल का कोर्स लेकर निकलिए। तो ये साफ तौर पर समावेशी एक माहौल बनाने की जगह यहाँ पर एक्सक्लूजनरी माहौल बनाते हुए खासकर वंचित समुदाय से, आदिवासी परिवारों से, दलित परिवारों से, माइनॉरिटी कम्युनिटीज से आने वाले महिलाओं, जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक मुश्किल माहौल तैयार करते हुए हमें सरकार दिखती है। लेकिन इन सभी लोगों के संघर्षों को आज 3 जनवरी को सावित्रीबाई फूले की बर्थ एनिवर्सरी थी और उससे कुछ दिन बाद फातिमा शेख की बर्थ एनिवर्सरी थी, तो अपने इन सभी जनता के असली शिक्षकों और नेताओं को, ज्योतिबा फूले को, इनके आदर्शों को, इनके आइडियल्स को, इनके स्ट्रगल को याद करते हुए आज के समय में जो हमारा ये शिक्षा का स्ट्रगल जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको हम आगे ले जाएंगे और बड़ी संख्या में, और तब तक जब तक हमें समान शिक्षा सभी के लिए नहीं मिल जाती।